ओडिशा प्लस खबर ही देशी पिस्तल सहित 18 देशी बंदूक समर्पण कले शिकारी सिमिलपाल अभयारण्य को सुरक्षा दे दुई जन वन कर्मचारी शिकारी गुली रे प्राण हर नियमित भाव वन विभाग और पुलिस मिलित सहयोग में सिमिलपाल अभयारण्य और तार पादेश खान तलाशी को जोरदार करमे 3 प्लाटून पुलिस फोर्स नियोजित कर सिमिलपाल अभयारण्य देशी बंदूक सहित बंदूक कारखाना ठाव हो सिमिलपाल और सिमिलपाल पादेश अनेक देशी बंदूक थवर अनुमान करुच्छी प्रशासन मयूरभंज वन विभाग और मयूरभंज पुलिस प्रशासन पक्षर आरंभ होता देशी बंदूक समर्पण अभियान यह 18 तारिखर आरंभ हो 31 तारिख पर्यंत सिमिलपाल और सिमिलपाल पादेश विभिन्न स्थान में सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो 31 तारिख पर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण मयूरभंज एसीपी चेतावनी देते आज देशी बंदूक समर्पण अभियान शेष तारीख थी आज ठाकुरमुंडा ब्लॉक रो विभिन्न स्थान गोटे देशी पिस्तल सहित 17 बंदूक समर्पण होता बेले करंजिया ब्लॉक रु गोटे बंदूक समर्पण हो तेबे ठाकुरमुंडा ब्लॉक चंपाझर ग्राम पंचायत सरपंच विक्रम पिंगुआ तांको सहयोगी वार्ड मेंबर मानंको एवं फॉरेस्टर किशोर कुमार महांतिंग सहयोग में 11 देशी बंदूक और गोटे देशी पिस्तल से भली ठाकुरमुंडा ब्लॉक भालिया डाल पंचायत उद्यम 4 देशी बंदूक केशडिया सरपंच विद्य उद्यम 2 देशी बंदूक एवं करंजिया ब्लॉक पाटबिल पंचायत रु गोटे देशी बंदूक समर्पण हो तेबे सरपंच मानक तत्परता पाई एते परिमाण रे चोरा देशी बंदूक उद्धार होइतिबारु साधारण रे कृतज्ञता प्रकाश पाई समर्पण समय रे एसडीपीओ सुब्रत डीएफओ श्रीकांत नायक एससीएएफ फाल्गुनी बेहरा रेंज अधिकारी किशोर कुमार पाणिग्राही सातकोशिया वन्यप्राणी विभाग रेंजर पद्मलोचन नंद एवं वन विभाग कर्मचारी प्रमुख जोग देथिले तेबे बंदूक समर्पण आगामी दिन में सिमिलपाल को सुरक्षा देव बोली कहा जाय छि एडा होची अभय युक्त अरण्य अरण्य माने हला जंगल एही जंगल रे जो माने अभय रे निर्भय रे रहिबे ओडिशा प्लस